भाजपा पार्षद पर महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप, कुटीर की केवाईसी से निकाला नंबर। शिवपुरी एसपी ऑफिस में महिला ने बैराट के भाजपा पार्षद की शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा के पार्षद पर छेड़छाड़ के आरोप महिला ने लगाए हैं। एसपी को आवेदन सौंप कर लगा न्याय की गुहार। जानकारी के अनुसार बैराट के वार्ड नंबर 11 की रहने वाली महिला ने बताया कि मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रही हूँ। नगर परिषद के वार्ड नंबर 11 के पार्षद पूरन राठौर ने कुटीर दिलाए जाने हेतु मोबाइल नंबर केवाईसी के निकाल लिया और फ़ोन करके अश्लील बातें करने लगा और फिर घर पर बुलाकर महिला से छेड़छाड़ कर दी। इसके बाद धमकी दी जाने लगी। महिला ने बताया कि झूठे केस में पार्षद फंसा सकता है, साथ ही परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या एसपी ऑफिस क्या समस्या लेके आई है? क्या मामला हो गया आपके? पूरन राठौर है, मतलब हमारे यहाँ का पार्षद। तो हमने क्या नाम है? पूरन राठौर जी। हमने उसके यहाँ पे कुटली का फार्म भरा था जी। तो वहाँ हमारा कुटली में से नंबर निकाला था। फिर जो के वाई सी का लाड़ी बहना थी वो लेने की, तो हमने उसका फार्म भरा था। तो वहाँ उसमें हमारा नंबर लगा था, तो उसमें से हमारा नंबर हमारे लिए कॉल करता था। तो हमने बोला कि हमारे लिए कॉल मत किया करो, कुछ काम करता है तो हमारे पति के नंबर पर कॉल किया करो। तो बोला पति के नंबर पर कॉल नहीं करता, मतलब उसने हमसे 20,000 रुपये लिए। बोले 20,000 रुपये दो, हम तुम्हारी आवाज़ सुनवाते हैं। उसने पहले हमसे 20,000 रुपये ले लिए, दे दिए थे आपने? हमने उसको मतलब कहीं से उसको 20,000 रुपये दिए थे। आपके पास कोई सबूत है? आपने किस तरीके से फोन पे किए, नगद दिए? नहीं, हमने तो मतलब नगद दिए। कोई स्लिप वगैरह पर्ची वगैरह दी होगी? नहीं, पर्ची कुछ नहीं दी। मतलब तो बोला के मतलब ये दे लेते हैं, मतलब जो कुटीली को पास करने वाले उसको देना है। नहीं, हमने दिया था। तो बोले आपको कुटीली लेना है तो मेरे से बात करना पड़ेगी। तो मैंने बोला मुझे कुटीली नहीं चाहिए, आपसे मैं बात नहीं कर सकती हूँ। बोले अब मुझे बात करने पड़ेगी मेरे से। तो हम मेरे को धमकाया डराया, वो बोतल में एक में कुछ लेने घूमता था। बोले ये तेजाब है, मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा, तेरे पति को जेल भिजवा दूंगा मेरे से बात किया करे। बाजार जाती थी तो मेरे पीछे पीछे जाता था, मतलब घर पे कुछ बहाने सहन करने के लिए बुलाता था। अपने गोदाम पे आने के लिए कहता था, तो मैं नाइन करती थी तो बोलता था मैं तेरे में गोली कर दूंगा, तुझे मार दूंगा, तेरे से मुँह से बात करने पड़ेगी। बोले तेरे लिए कितने महीनों से लगभग आपको परेशान कर रहा है? हो गए 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने और जबरदस्ती बोलता था, उल्टी सीधी धमकी देता था, मेरे तेरे पति को जेल भिजवा दूंगा। तो मैं डरा पड़ी थी, तो बोलता था मैं रात में कॉल की हूँ तो मेरे से बात किया करे, दिन में कॉल की हूँ तो दिन में बात किया करे। तो इसलिए मैं डरा पड़ी, तो मजबूरन होगा मुझसे, मुझे बात करना पड़ता था उसकी। किस तरीके की बातचीत आपसे? उल्टी सीधी बात करता था, मेरे से मिलने आया करे, मेरे से मतलब मेरे साथ गलत संबंध बनाया करे। तो मैंने उससे मना कर दिया, तो मुझे पति की तमीज देने लगा और बोलने लगा तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगा। तो मतलब इसमें डरा पड़ी थी। आपने अभी पिछली बार 2 दिन पहले भी आवेदन दिया था, तो आज भी आपने आवेदन दिया है क्या? हाँ, हमने आज भी आवेदन दिया। क्या आश्वासन दिया आपको अंदर से एसपी साहब ने? हम एसपी साहब से कहने आए थे, मतलब हमारी वहाँ पर रिपोर्ट नहीं ली, क्योंकि वो मतलब नेताओं के संग रहता है, पार्षद है, तो मतलब वहाँ उसके बाद से हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वहाँ चलती है बेड़ार पे, तो मतलब हमारी कोई वहाँ के पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की, ना हमारी रिपोर्ट ली और ना हम 3 दिन के फिर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे हम रिपोर्ट नहीं आए। आज तक आपकी शिकायत दर्ज नहीं? हमारी शिकायत दर्ज नहीं हुई। 3 दिन हो गए। क्या चाहते हो आप इसमें? उसने मेरी बदनामी कर दी है, तो हमको तो मतलब बोलता था कि मतलब बहनें बेटी हैं, उसको कोई गलत छेड़ेगा तो मतलब उसके साथ बुरा हुआ। तो मतलब उनने मेरे साथ किया तो उसके साथ भी तो होना चाहिए ना। मेरे 4 बच्चे हैं और मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा।